वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जोरिस है और आप देख रहे हैं बर्ड्स कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बारागो में मौजूद है, यहाँ पर अल्बिनो की मीटिंग हो रही है। खुरम भाई के सारे ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पर, खुरम कदीर अल्बिनो क्लब। तो एडमिन साहब बैठे हुए, तो सारी काबीना बैठी हुई, तो पूछेंगे। जी एडमिन साहब, कैसे हैं? जोरा साहब ठीक हैं? जी जी शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र। ये रमज़ान शुरू होने वाला था और उसके बाद हमारा ऑफ सीज़न जाना होना था, तो मैंने चाह रहा था कि रमज़ान से पहले एक गैदरिंग हो जाए और जितने भी न्यू फैंसियर ऐड हुए हैं हमारे ग्रुप के अंदर, उनको हम कुछ रमज़ान से पहले जो चीज़ हम सिखा सकते थे वो सिखा दें, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग इन्वायरमेंट जो है ना चेंज हो जाता है, लोग ज़्यादातर अपने इबादत की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि उससे पहले पहले इन लोगों को टीच किया जाए, ताकि जो बर्ड्स इनके पास अब आएंगे वो नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे तैयार कर लें। तो हमने यहाँ पर ग्रुप मीटिंग रखी हुई थी, ये हमारे सारे लोग मौजूद हैं। वक्तन फवक्तन हम एक दूसरे से आपको बताते हैं कि कौन कौन मेरे राइट पे साई साहब हैं। जी, ये इंट्रोडक्शन करवाएं साई साहब अपने। और इस्लामाबाद से ही मेरा ताल्लुक़ है, मैंने रिसेंटली ही ऑर्डर दिया हुआ था और मेरे 5 पेयर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ। तो साजिद भाई, बाकी ये बताइएगा, ये आपको गैदरिंग में कैसा लगा? सर आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, किसी का भी ऐसा सेटअप नहीं है, बर्ड का सेटअप नहीं है। लोग बर्ड बेचते हैं, सेल आउट करते हैं और शाम को वो आपको भूल चुके होते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये देख लें, ये एक पूरे घर की फैमिली का इन्वायरमेंट है और पहले दिन से लेकर एंड तक ये लोग साथ चलते हैं। इवन के जब आप बच्चा लेते हैं उससे जब तक आपकी ब्रीडिंग होती है, और ये सेटअप कहीं और भी नहीं है, कोई भी अपना बर्ड आपसे वापस लेता नहीं है। ये खुरम भाई का वायद, खुरम भाई का क्लब है कि जो आपसे बच्चा परचेज़ भी करता है। ठीक, बाकी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है, मेरे पास खुरम भाई का सेटअप लगा हुआ है और मेरे पास इस टाइम माशाल्लाह से 8 ब्रीडर पेयर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैंने एक पेयर अभी लिया खुरम भाई से, 2 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है, मानसरे से आया हूँ, 2 पेयर लिए हैं अभी खुरम भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी, राशिद नाम है मानसरे से और न्यू मेंबर हूँ इस ग्रुप का और 2 पेयर्स लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुल्तान महमूद है, मैं हजरों से हूँ जी, और खुरम भाई के 4 पेयर मेरे पास लगे हुए हैं माशाल्लाह, और अभी आगे देखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आपके आपको कितना टाइम हो गया बर्ड्स लिए हुए? चोरस भाई, मैंने दिसंबर में बुकिंग करवाई थी और मुझे फरवरी में बर्ड्स मिले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना तकरीबन अभी मेरे पास 8 दिन हो गए हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आपने किधर से, इस्लामाबाद से परचेज़ किए थे या कराची से? मैंने नुमान भाई से आर्डर बुक करवाया था और परिंदे मेरे कराची से आए थे जी। ठीक, तो बाकी आपको साइज़ वगैरह कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मेरे पास आए हैं साइज़ देखा है, मार्केट से सबसे अच्छा साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह खुरम भाई के परिंदों का है जी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है और मैं हसन अब्दाल से, मेरा 8 पेयर का सेटअप लगा हुआ है और पेयर का ऑर्डर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरा 5 ब्रीडर पेयर का ऑर्डर लगा हुआ है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, नासर सत्ती मेरा नाम है, मैं ताल्लुक मेरा यहाँ रावलपिंडी से ही है, मैंने 1 पेयर का ऑर्डर किया हुआ है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक शायद मुझे जो है ना डिलीवर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मुतबा है और लोकेशन हसन अब्दाल है, मैंने एक माह पहले 2 पेयर का ऑर्डर लगाया हुआ जो कि अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुए, कुछ टाइम तक आ जाएंगे खुरम भाई के सेटअप से। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर इस्लामाबाद से, मेरे पास खुरम भाई का सेटअप लगा हुआ है 5 ब्रीडर पेयर का, और उसकी भी प्रोग्रेस में चेक कराता हूँ, और आज सारे भाई आए हुए हैं मेरे पास, सारे मेरे घर पर मीटिंग थी, और जो ख़ास बात है वो उस्ताद जी की, मेरे पास खसूसी आइटम जो है अल्बिनो, उसका मैं तारफ़ सब भाइयों से करवाना चाहता हूँ। तो ये आप कराची गए थे तो आपको खुरम भाई ने गिफ्ट की थी, ज़हीर भाई? ये मैं कराची गया था, ये उस्ताद जी ने मुझे गिफ्ट दी थी जी, और ये है मेरे पास माशाल्लाह घूम रही है, ये उस्ताद जी का तोहफा है, ये भी अल्बिनो है। ठीक, तो बाकी ज़हीर भाई आज की जो मीटिंग है वो आपके घर पर रखी हुई है, तो उसके बारे में बताइए आपको कैसा लगा? आज हम बहुत खुश हैं जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर पे सारे भाई आए हुए हैं, नए भी थे और पुराने भी दोस्त थे, सारे आए हुए हैं और बहुत खुश हुए हैं सारे बैठ के, सब बातें नुमान भाई ने उनको समझाई हैं, बर्ड्स को गर्मियों में कैसे रखना है, सर्दियों में कैसे रखना है, और पट्ठों को कैसे उनका दाना उनकी जो भी है, तो सबको गाइडलाइन जोरस भाई ने और नुमान भाई ने दी है, और बहुत अच्छी ये मीटिंग हुई है जी। एडमिन साहब, बाकी एक आपसे ना मेन सवाल पूछना था ना, जो मेरे दिल के अंदर था ना,
ये जैसे कि खुर्रम भाई बेवा औरतों को सेटअप लगा के दे रहे, लेडीज़ को सेटअप लगा के देते, तो आप भी इस्लामाबाद में कुछ ऐसी वर्किंग कर रहे हैं? जी वर्किंग भी कर रहे हैं और हमने अप्रूवल भी ले लिया खुर्रम भाई से, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे दो सेटअप जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो ऐसे मुस्तहिक लोग हैं या बेवा औरतें हैं उनके लिए। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सीज़न जब हमारा स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि दो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे ना बहुत जल्द। तो बाकी अगर कोई मेरे चैनल के रेफरेंस से आता है आपके पास, कोई लेडीज़ वगैरह या कोई बेवा खातून आती हैं, तो आप उनके भी लगा के देंगे? जी बिल्कुल, हमारा तो ये है कि जो भी हम सेटअप लगाएंगे कि वो पहले अपना सारा बायोडाटा बताएंगे हमें, ताकि हमें ये पता चले कि वाकई वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते। ऐसा भी मुमकिन है लोग सेटअप के लेने के चक्कर में थोड़ा सा मिसगाइड करवा देते हैं लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइन बंदा जो वाकई इसको डिज़र्व करता है वही लगाए सेटअप, यानी कि आप पहले इनको वेरीफाई करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह लगाएंगे। ठीक, तो बाकी आपका नुमान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इन्वाइट किया अपने ग्रुप में, ठीक है, तो इसका बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने सेटअप का कब विज़िट करवाएंगे मुझे? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सेटअप पर अपने विज़िट करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने हमारी गैदरिंग को कवर किया और इसमें जितने भी पॉइंट डिस्कस हुए वो इंशाल्लाह हम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी और जो नहीं आ सके उनके लिए भी कारआमद होंगे इंशाल्लाह। ठीक, बाकी फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ऐसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।